नमस्कार, ये है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं कलमदार विनोद सांखला आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी ही एक और स्वरचित कहानी, जिसका शीर्षक है क्या यही प्यार है। अचानक अश्विन के 4 दिवसीय अवकाश पर जाने के कारण आज ऑफिस पहुंचने पर बॉस ने मुझे उसका चार्ज भी दे दिया। वो अपने गांव जो गया था, लगभग 6-8 महीने ही तो हुए थे उसे साथ में काम करते करते, और इस दौरान काफी घुल मिल गया था मुझसे। हम लोग साथ में लंच और कॉफी लेते, खूब हंसी मजाक भी चलता हम दोनों के बीच, और इसी हंसी मजाक में पूरे दिन की थकान कब मिट जाती पता ही नहीं चलता। अक्सर वो मुझसे मजाक में कहा करता, शादी तो मैं तुम्हारे जैसी लड़की से ही करूंगा, और मैं भी हंसकर उसे कहती, कोई पगली ही होगी जो तुझसे शादी करेगी, मैं तो कभी ना करूं। इन्हीं ख्यालों में खोई कब अपनी टेबल तक जा पहुंची पता ही नहीं चला। जाने से पहले कम से कम मुझे तो बता सकता था बुद्धू कहीं का। खैर, मैंने उसे कॉल किया लेकिन नो रिप्लाई। लंच टाइम में फिर कॉल किया लेकिन अब की बार मोबाइल स्विच ऑफ। मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया। शाम को घर पहुंचकर फिर कॉल किया लेकिन फिर वही मोबाइल स्विच ऑफ। इसी उधेड़बुन और बेचैनी में शाम को खाने में नमक डालना भी भूल गई। बहुत सुनाई माँ बाबा ने, पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई, और अगले दिन जब घर से निकली तो टिफिन ले जाना भी भूल गई। जब जब उसे कॉल करती मुझे उसका स्विच ऑफ ही मिलता। लंच टाइम में भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई तो सिर्फ कॉफी से ही काम चला लिया। अश्विन के लिए अब मेरी फिक्र और बढ़ने लगी थी, और साथ में भयंकर गुस्सा भी। काश वो मेरे सामने आ जाए तो सिर के सारे बाल नोच लूं बुद्धू के। रात को पूरी तरह सो भी नहीं पाई। पूरी रात घड़ी घड़ी उसका व्हाट्सएप चेक करती रही। तीसरे दिन पूरा में खोई खोई सी रही। ना मुझे भूख लग रही थी और ना ही प्यास। क्या हो गया था मुझे, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी मैं। क्या मुझे अश्विन से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। दिल और दिमाग की इस उधेड़बुन में पूरा दिन निकल गया, और रात को अपना ध्यान कहीं और बांटने के लिए मोबाइल पर FM लगाकर गाना सुनने लगी। गाना चल रहा था, पहले प्यार का पहला गम, पहली बार ही आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अभी जाओ वरना रो देंगे हम। यह सुनकर आखिर मेरा बचा कुचा सब्र भी जवाब दे ही गया। अपने कमरे में बैठकर अपने आंसुओं को
बह जाने दिया जो सिर्फ अश्विन की याद में निकल रहे थे। और मन ही मन स्वीकार भी कर लिया था मैंने, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है। अब इंतजार था तो सिर्फ अश्विन के आने का। चौथा दिन पूरा गुस्से और बेबसी भरी तड़प में निकला, क्योंकि अगले दिन उसे आना था। अगले दिन के इंतजार में पूरी रात सो भी नहीं पाई, आंखें लाल हो चुकी थी सूजन के साथ। पांचवें दिन अश्विन को ऑफिस में देखकर दौड़ती हुई उसके पास गई और एक जोरदार थप्पड़ लगाया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू और चेहरे पर उसे देखने की खुशी साफ झलक रही थी, जैसे चार दिन नहीं चार जन्मों का इंतजार किया हो मैंने। यह भी भूल गई कि पूरा स्टाफ हमें देख रहा है। रुआंसी आवाज में चिल्लाते हुए मैंने पूछा, बोल के नहीं जा सकते थे बुद्धू, कितने कॉल और मैसेज किए तुम्हें, लेकिन साहब का मोबाइल स्विच ऑफ। अपने गालों को सहलाते हुए हक्के बक्के अश्विन ने कहा, दिया मेरा मोबाइल गुम हो गया था यार। उसके इस मासूमियत भरे जवाब को सुन मैंने अपना सारा प्यार उड़ेलते हुए उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और रुआंसी आवाज में यही बोल पाई, बस अब मुझे पगली बनना है तुम्हारी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे विनोद सांखला की आवाज में मेरी ही एक स्वरचित रचना, क्या यही प्यार है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे किस्सा कहानी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।